संग प्रणाम करता हूँ, शुरू करता हूँ। जानदार धमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़ जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, बस। थैंक यू। मेरे सुनो, देखिए, जीवन के पथ को यदि ज्ञान के रथ पर सवार कर दिया जाए तो जीवन का पथ जो है ना, बड़ी सुगमता से पार किया जा सकता है। एक बार इस रथ की लगाम हाथ में आ जाए कि बड़ी से बड़ी भी जो खाइयां होती हैं वो एक ही छलांग में पार हो जाती हैं। ये ज्ञान का रथ चुनौतियों के पहाड़ पर एक ही झटके में चढ़ जाता है और अपनी मंजिल की ओर शीघ्रता से अग्रसर हो जाता है। देव संजो, ज्ञान का रथ अनवरत चलता ही जाता है और अपने हर सवार को बुलंदी पे ले जा करके ही दम लेता है। एक बार ज्ञान के रथ पे जो सवार हो गया तो फिर उसके लिए क्या 1 करोड़ और क्या 7 करोड़, है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। इसी ज्ञान के रथ पर सवार होकर इस मंच तक आप पहुंचे हैं हमारे 10 नए खिलाड़ी जो आज यहां आपके सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय देना चाहूंगा। सबसे पहले स्वागत किया जाए कानपुर उत्तर प्रदेश से विभूति शुक्ला जी। फिर आते हैं सागर मध्य प्रदेश से, ये है अभिलाषा सोनी। नांदेड़ महाराष्ट्र से बालाजी फुलगंडे जी। पूना गुजरात से प्रवीर कुमार चक्रवर्ती। भिलवाड़ी राजस्थान से महेश कुमार शर्मा जी। भोपाल मध्य प्रदेश से ऋषि शर्मा। मुंबई महाराष्ट्र से नाहिद चिश्ती, बहुत बहुत बधाई। जम्मू एंड कश्मीर से सुनील शर्मा जी। मुंबई महाराष्ट्र से करिश्मा आहूजा। और अंत में दिल्ली से नजीहुज्जमा जी, बहुत बहुत आपको बधाई। और बहुत बहुत स्वागत है सभी का, जोरदार ताली। देखो सज्जनों, इन जितने भी आप खिलाड़ी देख रहे हैं इन सभी को हमारे जो कंप्यूटर जी ने सोनी लिव ऐप पर एबीसी प्ले लॉन्ग के लीडर बोर्ड से चुना गया है। आपके साथ खेलेंगे अब फास्टेस्ट स्विंग फर्स्ट। रेडी, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फर्स्ट स्विंग फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2023 तक के संदर्भ में इन टीमों को उनके कप्तानों के अनुसार इस क्रम में लगाए, रोहित शर्मा, फैफ डुप्लेसी, हार्दिक पांड्या और KL राहुल। As of October 2023, arrange these teams in the following order of their captains: Rohit Sharma, Faf du Plessis, Hardik Pandya and KL Rahul. और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स, बी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सी गुजरात टाइटंस, डी मुंबई इंडियंस। ये है क्रम, इस क्रम में आपको लगाना है इस प्रश्न के जितने भी ऑप्शन आए हैं आपके सामने। समय समाप्त हो गया, आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा जिसके कप्तान। फिर आता है बी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, फैफ डुप्लेसी। फिर आता है सी गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या। और अंत में ए लखनऊ सुपर जायंट्स, KL राहुल। यह है सही क्रम, DBCA, यह है सही क्रम। अब आइए देखते हैं लीडर बोर्ड पे किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? बहुत बहुत बधाई सर। मनोहर, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, मेरे सामने व्हाट्सएप पर आ गए हैं जम्मू कश्मीर से सुनील शर्मा जी। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताइए कि
क्या आप मुंबई पहली दफ़े आए हैं जम्मू एंड कश्मीर से या पहले भी आ चुके हैं? सर बेसिकली मैं इस वर्ष ग्राउंड ऑडिशन में भी आया था, तो काफ़ी अच्छा मेरा ग्राउंड ऑडिशन गया था। इवन मेरी सिस्टर का भी ग्राउंड ऑडिशन था। तो साथ में आए हैं आप? जी कंपेनियन के रूप में। हम परिवार में दो ही। प्रणाम 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 और स्वागत किया जाए उनकी। आपका शुभ नाम? निशा शर्मा। निशा शर्मा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका जी। तो ये भी आ चुके हैं पहले? जी सर, हम बेसिकली इस काफ़ी देर से केबीसी के लिए प्रत्यन कर रहे थे, तो हर बार करते थे, कभी काल आती फर्स्ट राउंड क्लियर होता सेकंड होता, लेकिन इस वर्ष केबीसी ऐसा मंच है जो भारत के कोई भी रिमोट एरिया कहीं से भी हो तो केबीसी एक जेन्युइन कंटेस्टर तक पहुंच ही जाता है जैसे भी। तो इस बार ग्राउंड ऑडिशन में आए थे तो आपके सर घर के बाहर से गए थे, तो मन बना लिया था कि जैसे मर्जी आपके साथ तो मिलना ही मिलना है जैसे मर्जी करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद। आपकी क्षमता है जी, जी आप अपने ज्ञान को अपने से दूर ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि वो आपका ज्ञान ही जो है वो आपको आगे भी ले जाएगा। बिल्कुल सर, किसी और का हाथ नहीं होता इसमें, न इनका ना हमारा न केबीसी का, ये आपका अपना ज्ञान है, आपकी अपनी क्षमता है, दृढ़ता है। आपने कई बार ये प्रयत्न किया होगा कि हमें जाना है केबीसी के ऊपर और आज आप आ गए। ऑलराइट, जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? ओके सुनील शर्मा जी, पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस वाक्यांश का अर्थ बार बार एक ही स्थान पर जाना है? Which of these phrases means to keep visiting the same place again and again? ऑप्शन सुनिए, ए दिन बदलना, बी चक्कर काटना, सी पासा पलटना, या डी होशियार रहना। सर ऑप्शन बी चक्कर काटना। क्या करें? लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया, 1000 रुपए जीत गया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 2000 रुपए। रेडी, अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। कौन सा शब्द पोर्टेबल मोबाइल चार्जिंग यूनिट के लिए रिक्त स्थान भरेगा? पावर डैश, व्हाट वर्ड फिल्स इन द ब्लैंक इन द नेम ऑफ अ पोर्टेबल मोबाइल चार्जिंग यूनिट? पावर ब्लैंक। ऑप्शन सुनिए, ए बैंक, बी म्यूजियम, सी स्टेडियम, या डी रेस्टोरेंट। सर ऑप्शन ए बैंक को लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए सुनील शर्मा जी, ये रहा आपके सामने। देखिए ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको जी, और उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। इनमें से क्या वो एक संरचना है जिसमें मधुमक्खियां रहती हैं? Which of these is the structure in which a bee lives? Can we see the picture, please? Image option A, image option B, image option C, image option D. देख लिया? जी सर। उत्तर दत्तन। सर इमेज ऑप्शन डी। क्या करें? को लॉक कीजिए। डी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मधुमक्खी जो है उनका छत्ता रहता है। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर, इसके लिए मिलेंगे 5000 रुपए। रेडी, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किस अभिनेता ने यादगार खलनायक मोगैम्बो और जनरल डोंग की भूमिका निभाई है? Which actor played the memorable villains Mogambo and General Dong? ऑप्शन सुनिए, ए डैनी डेंजोंगपा, बी गोविंद नामदेव, सी अमरीश पुरी, या डी सौरभ शुक्ला। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी अमरीश पुरी। सी अमरीश पुरी का लगा जाए। सही जवाब दिया। अब आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न पर, यह है खेल का पहला पड़ाव, 10000 रुपए इसका मूल्य है, और वो पांचवा प्रश्न सुनील जी आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सा नाम आटे दूध और खमीर से बने मीठे नान को दर्शाता है? Which of these names refers to a sweet naan made with flour, milk and yeast? ऑप्शन देखिए, ए पोहा, बी शीरमल, सी उपमा, या डी फलूदा।
आटे, दूध और खमीर से बने मीठे नान को दर्शाता। सर, इसका थोड़ा आइडिया नहीं है, मैं ऑडियंस पोल्स लेंगे। मधुमती जी, 23 सेकंड बचे हैं, ऑडियंस आपकी बारी आ गई, बड़ी जल्दी। खाने पकाने की बातों में सवाल आ गया है और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया, प्रतिशत आ गया है, बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 78%। सर, मैं ऑडियंस के साथ बी ऑप्शन के साथ जाएंगे और लॉक करना चाहता हूं। अधिकतर ऑडियंस ने कहा है बी, 78%। बी शेरमाल पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया ऑडियंस ने। धन्यवाद दीजिए सबको। ये जो नाम है, हमारे जानना जी कह रहे हैं, ये इस तथ्य से आया है कि दूध शीर को बोलते हैं और रगड़ा जाता है तो मलना बोलते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भट्टी में डालने से पहले आटे में दूध मिलाया जाता है, उसको मला जाता है, फिर भट्टी में डालते हैं, फिर वो नाम पक के आता है। ऐसा हमारे ज्ञाननाथ जी बोल रहे हैं। हम तो नहीं पका पाएंगे इसको, लेकिन यदि आपने कभी निशानी जी ने शायद इसको बनाया हो कभी, नहीं? नो सर। अच्छा, अब पता चल गया आपको, अब घर जाकर के ट्राई कीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट होता है ये। ऑलराइट, तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया। ये देखिए, गाड़ी चल पड़ी है। मेरा नाम आईपी सिंह है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और हम शुरू से ही कौन बनेगा करोड़पति देखते आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे उसमें एक सवाल पूछने का मौका दिया गया है। और मेरा सवाल है, 2008 ओलंपिक के लिए प्रशिक्षण हेतु किस ओलंपिक पदक विजेता ने चंडीगढ़ में एक विवाह हॉल किराए पर लिया था? ऑप्शन ए सुशील कुमार, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी विजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी साइना नेहवाल। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। अब देखते हैं ज्ञाननाथ जी क्या बता रहे हैं। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 39 नंबर। आप कौन है? आप हैं? अरे वाह, बधाई बधाई बधाई, ताली बज जाए उनके लिए। बहुत बहुत बधाई, तालियां बजती रहे उनके लिए। पल्लवी जी, आपका शुभ नाम? पल्लवी बालाजी धीरेंद्र। पल्लवी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज क्या कर रहे हैं आप? मैं टीचर हूँ सर। वो कहाँ पर पढ़ाती हैं? नांदेड़, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पढ़ा रहे हैं, वाह बहुत अच्छी बात है। सही उत्तर क्या था ये बताइए। अभिनव बिंद्रा, बी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, मान्यवर। ये छोटा सा उपहार है आपके लिए। पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, आएगा छठा प्रश्न आपके सामने, मूल्य है इसका 20,000 रुपये। रेडी? छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से नहीं थे? Which of these फ्रीडम फाइटर्स was नॉट फ्रॉम बंगाल? ऑप्शन सुनिए, ए बिपिन चंद्र पाल, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी लोकमान्य तिलक या डी सूर्य सेन। बंगाल से नहीं थे इनमें से एक। सर प्लीज ऑप्शन लॉक, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, लोकमान्य तिलक जी का जन्म महाराष्ट्र में, और इनकी बहुत सी बहादुर की गाथाएं हैं जिनकी वजह से देश में इतना परिवर्तन आया। बाकी तीन जो हैं वो सब बंगाल से। आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पर, 40,000 रुपये इसका मूल्य है। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या भारत में एक झील का नाम है न कि एक झरने का? Which of these is the name of a lake and not
अ वॉटरफॉल इन इंडिया। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए पुष्कर, बी दूध सागर, सी जोग या डी धुआंधार। सर इसका ऑप्शन प्लीज लॉक, ए पुष्कर। पुष्कर पे लगाएं ताला? जी। ए के लिए कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। वेल डन सर, इज द राइट आंसर। पुष्कर राजस्थान में एक झील है और बाकी सब जो है वो वाटरफॉल है। yes. जोग कर्नाटक में और धुआंधार ये मध्य प्रदेश में है। इतनी जोर से पानी गिरता है वहाँ कि उसकी जो बौछार है वैसे लगता है धुआं फैल गया। जी सर। और दूध सागर जो है ये गोवा में है सर। और जो हमारी पहली पिक्चर थी साथ हिंदुस्तानी, जी जी, उसमें ये दूध सागर में हमारा सीन हुआ था। जी। ऐसा है सर कि दूध सागर पहुंचने के लिए उस जमाने में, हम बात कर रहे हैं 69 की बात है, 1969 की बात है, कि कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं था और ना ही कोई सड़क थी। तो अब क्योंकि डायरेक्टर साहब थे ख्वाजा अहमद अब्बास, उन्होंने कहा करना है ये, तो कैसे जाएं वहाँ। तो पता लगाया सर कि उधर एक ट्रेन के जो रेल की पटरी है लेकिन स्टेशन ऐसा नहीं है, उधर मालगाड़ी जाती है सिर्फ। तो ये तय हुआ कि मालगाड़ी में बैठ करके हम लोग जाएंगे। तो मालगाड़ी में सारे डब्बे जो हैं वो तो बंद होते हैं ना, उसके अंदर माल भरा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिन पे ऊपर ढक्कन नहीं होता, खुला होता है ना, तो उसके ऊपर सब लोग बैठ गए और कहा कि भैया लेकिन वहाँ उतरेंगे कैसे। कोई परवाह नहीं, एक आदमी को भेज दिया अंदर, उसने जा करके चेन खींच लिया, गाड़ी रुक गई, पूरा यूनिट उतर गया और फिर वो गाड़ी चल पड़ी। इसी तरह जब वापस आ रहे थे वही काम किया, किसी एक बंदे को भेज दिया पिछले स्टेशन पे कि तुम मालगाड़ी में बैठ के आना और जब यहाँ पहुँचे तो चेन खींच लेना, हम लोग रुक जाएंगे, सब चढ़ जाएंगे। सर ऐसे शूटिंग हुई है उस पिक्चर की। सर मूवीज जो जैसे हो गई तो बेसिकली इतना वक्त तो मिलता नहीं था, लेकिन रही बात आपकी, आप बोलोगे कि मेरी तारीफ करते हो, लेकिन सर तारीफ नहीं, ये सच्चाई है जो मैं आज KBC मंच में बताना, कि आपसे पूरे विश्व को पूरे देश को इतनी इंस्पायरेशन मिलती है, इतनी इंस्पायरेशन मिलती है, इवन मुझे। ए भगवान, ना केवल आप, ना केवल आपसे सर, अरे सर नहीं सर, ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील जी अब खेल को आगे बढ़ाते हैं, आठवां प्रश्न आएगा आपके सामने। जी जी, आठवां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस देश में कभी कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं रही है? Which of these countries has never had a female prime minister? A. श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। कभी कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं रही। सर मैं पाकिस्तान को तो मैं इलिमिनेट कर सकता हूँ, बांग्लादेश को इलिमिनेट कर सकता हूँ, तो श्रीलंका और नेपाल पे थोड़ा डाउट लग रहा है। श्रीलंका, सर मैं डबल डिप यूज करना चाहता हूँ। शांत हो जाइए, बाजू मदी, डबल डिप वाली लाइफलाइन यूज करना चाह रहे हैं, इसे अंकित कर दिया जाए। अपना पहला उत्तर बताइए। सर पहला उत्तर है श्रीलंका, ए पार्ट को लॉक किया जाए। ए श्रीलंका पे ताला लगाया जाए। नहीं मानी और ये गलत है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी नेपाल। ऑप्शन डी नेपाल के लिए कह रहे हैं ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया। श्रीलंका में दो महिला प्रधानमंत्री रही हैं, श्रीमावो भंडार नायके और चंद्रिका कुमार तुंगा। जी। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, बांग्लादेश में खालिदा जिया और शेख हसीना, नेपाल में अभी भी कभी भी कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं हुई है। और सुनील जी 80,000 रुपए जीत लिए आपने, आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का, और एक ही लाइफलाइन बची है, सोच समझ कर खेलिएगा। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। महाभारत के अनुसार कुंती को किस भगवान से मिले आशीर्वाद के कारण भीम का जन्म हुआ था?
According to the Mahabharata, Bhim was born by the blessing of which god to Kunti? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. A. Lord Indra, B. Lord Yam, C. Lord Vayu, या D. Lord Surya. भगवान इंद्र, भगवान यम, भगवान वायु या भगवान सूर्य? भगवान सूर्य तो विषम देता हूँ. सर इसका भगवान वायु ऑप्शन सी. सी पे जाना चाहेंगे? जी सर. क्या करें? लॉक कर दीजिए. सी लॉर्ड वायु. ताल लगा जाए. काफी विचार कर रहे थे आपकी कौन सा हो सकता है. 1,60,000 जीत गया. बिल्कुल सही जवाब. वेल प्लेड सुनील जी. ऋषि दुर्वासा ने कुंती को मंत्र सिखाया था और उसी की सहायता से भगवान वायु की कृपा से भीम का ये जन्म हुआ. बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने. सर ये मैंने आज रात 2:30 पढ़ा. अरे बाप रे. सर नींद तो आई नहीं. सिस्टर कह रहे थे सुबह अमिताभ सर से मिलना है तो सो जाइए सो जाइए. मैंने अमिताभ बच्चन सर से मिलना तो है लेकिन क्या चीज लेके मिलना है. एटलीस्ट थोड़ा सा ज्ञान ही कर लें, थोड़ा सा अच्छा सा खेल लें, सेटिस्फाई हो जाए. हाँ भाई हम आए थे अच्छे से खेल के गए तो वही चीज चाहते थे. तो ये मैं लास्ट जैसे मोबाइल बंद कर रहा था तो उसी वक्त थोड़ा पढ़ लिया था. चलिए सही समय पर सही काम हो गया आपका. अब 10वां प्रश्न आएगा. 3,20,000 का खेल का है ये दूसरा पड़ाव. जी सर. और यहाँ पर आकर के एक और चेतावनी की इसे एक मौके पर चांस मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको. एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है सुनील जी. अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये एक इमेज प्रश्न है. प्रश्न ये है कि इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर कितने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री दिखाई दे रहे हैं. हाउ मेनी फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स कैन बी सीन ऑन दिस बुक कवर. कैन वी सी द पिक्चर प्लीज. ठीक. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. A2, B3, C4, D5, 2, 3, 4 or 5. सर मैं वीडियो लाइफलाइन लेना चाहता हूँ. लाइफलाइन शांत हो जाइए बादुमत जी. आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड और आपने तीन नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं. कैन वी हैव दोज नेम्स प्लीज. ये है अर्जुन सिंह, बी है आदित्य पांडे और फिर आता है नितेश साहू जी. किनसे बात कीजिएगा? सर मैं फर्स्ट अर्जुन सिंह से. अर्जुन सिंह जी से बात करेंगे. सलाम. अर्जुन सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए. ये मित्र हैं आपके? जी सर ये मेरे बचपन के दोस्त हैं. और क्या कर रहे हैं आजकल? ये MBBS डॉक्टर है तो अभी सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं. जी अर्जुन सिंह जी प्रणाम करता हूँ. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ. कौन बनेगा करोड़पति से? गुड आफ्टरनून सर. प्रणाम करता हूँ सर आपको. बहुत मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर जो आपसे बात करने का मौका मिला है मुझे. अरे सर. और मैं केबीसी का धन्यवाद करता हूँ और सुनील सर दिया आपसे बात करने का. लेकिन आपसे एक प्रश्न का उत्तर भी मांग रहे हैं सुनील जी. जी सर आई विल ट्राई माय बेस्ट. ओके तो देखिए ये एक इमेज प्रश्न है. जी सर. तो पहले हम आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं उसके बाद सुनील जो है वो प्रश्न पढ़ के ऑप्शन बताएंगे. जी सर. और ये इमेज है आपके स्क्रीन के ऊपर ये देखिए. देख लिया? जी सर. अब सुनील जी आपको प्रश्न और ऑप्शंस जो है वो देंगे. जी सर. सुनील जी आपका समय शुरू होता है अब. डॉक्टर साहब इसमें जो ये फाइनेंस मिनिस्टर है इस बुक कवर में इसमें कितने हैं? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2, 3, 4 या 5? दो तो मैंने गेस कर ली है, तीसरा का थोड़ा डाउट लग रहा है. फिर भी तीन तो दिखे. तीन तो है. प्रणब मुखर्जी का थोड़ा डाउट लग रहा है वो देख लो. जी जी. हाँ तीन.
जल्दी बी लग रहा है, थ्री मुझे ऑप्शन बी लग रहा है, थ्री एक सेकंड श्योर है, रिकॉल कर लीजिए जल्दी जल्दी फास्ट। प्रणव जी आगे, अरुण तीन लग रहा है मुझे इसका, ऑप्शन बी थ्री लग रहा है श्योर। मैं भी प्रणब मुखर्जी के बारे में थोड़ा बहुत मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ये बजट में एक बार पेश किया था। अरे सर समय समाप्त हो गया, क्या करेंगे सर? मुझे भी प्रणब मुखर्जी पे थोड़ा लग रहा था, तो मैं ऑप्शन बी तीन के साथ जाए। ऑलराइट, बहुत सोच समझ के वीडियो कॉल करने के बाद सुनील शर्मा जी कह रहे हैं कि बी तीन पे ताला लगाया जाए। आपके मित्र ने आपको बिल्कुल सही और सलाह दिया, बिल्कुल सही सलाह दिया। बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको। तीन व्यक्ति हैं वो है फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री पी चिदम्बरम और श्री अरुण जेटली, और ऊपर है तीन आरबीआई गवर्नर्स डी सुब्बाराव, रघुराम राजन और उर्जित पटेल। ऑलराइट, वेल डन सर। मान्यवर 3,20,000 रुपए जीत रहे हैं और चेक आ गया आपके नाम, 3,20,000 रुपए का चेक। और ये जो चित्र देखा आपने देवियों सज्जो, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव पाया, तो हम अपना आभार उन्हें अनेक अनेक बार देते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये सुपर संदूक का एक लक्षण है कि बताएगा ये आपको कि अब सुपर संदूक आपको खेलना होगा। अब ये बताइए कि अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश इंग्लिश में ओके। और तो चलिए लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। सुनील शर्मा जी आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। What Chumka is a song from which 2023 Hindi film Jawan, Rocky aur Rani ki prem kahani, Oh My God to OMG 2, Mission Majnu. Sir, Rocky, B part. Bilkul sahi. Next. Which of these is common to koalas and kangaroos? Lays eggs, no tails, have pouches. Pouches? Have pouches. Correct. Next. Which of these does the Hindi phrase Swad Anusar Food refer to? Correct. B-part. Next. Bami Army is a fan group of which cricket team? England, South Africa, New Zealand, Australia? New Zealand. Wrong. Next, Shri Keshubhai Patel has served as the Chief Minister of which state? Maharashtra, Gujarat, Goa, Odisha? Gujarat. Correct. Next. Usually, type 1 and type 2 are associated with which of these diseases? Diabetes, cholesterol, high BP, lower BP? Sir, diabetes. Correct. Next. Which of these countries is closest to Australia? New Zealand. New Zealand. Correct. Next. In India, which of these is most numerous? Rajya Sabha MP, Union Ministers, Lok Sabha MP, Chief Ministers? Sir, Lok Sabha MP. Correct. Next. Which of these breeds by laying eggs? Mosquito, cat, dog, cow? Mosquito. Correct. Next. Who is the author of the work Wish I Could Tell You? Chetan Bhagat, Durjoy Datta, Amish Tripathi, Preeti Shenoy? Chetan Bhagat. A. Wrong. Samay samapt ho gaya hai Sunil Sharma ji. Ji. Lekin khushkhabri ye hai ki 8 prashno ka sahi uttar diya hai aapne. 80,000 rupaye jeet gaya. Thank you sir. सुनील जी अब या तो 80,000 बैंक में या अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन आप जीवित कर सकते हैं। सर मैं अपनी खोई हुई लाइफलाइन वीडियो कॉलिंग दोबारा से जीवित करना चाहता हूं। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड जी बिल्कुल। ऑलराइट, अपनी खोई हुई लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड को जीवित करना चाह रहे हैं, इसको जीवित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑलराइट सुनील जी। जी सर। 11वां प्रश्न है, ये बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा क्योंकि ये जो प्रश्न है ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। मान लीजिए कि अगर कुछ गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। जी 3,20,000 निश्चित हो गया, 6,40,000 रुपए, एक लाइफलाइन अभी भी है आपके पास। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ओलंपिक पदक विजेता के बेटे ने भी ओलंपिक पदक जीता है? द सन ऑफ विच ऑफ दीज ओलंपिक मेडलिस्ट्स ऑल्सो वन एन ओलंपिक मेडल, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ध्यानचंद, बी राजवर्धन सिंह राठौड़, सी लेजली क्लोडियस, डी केडी जादव।
इनमें से किस ओलंपिक पदक विजेता ने या के बेटे ने भी ओलंपिक पदक जीता? समय समय आपके पास और एक लाइफलाइन है, सही उत्तर देंगे 6:40। खेलिएगा जरूर। राजवर्धन सिंह राठौर तो नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने रिसेंटली इस क्रम में सबसे लेटेस्ट इन्होंने ही जीता है। ध्यान सर, मैं समय को ना ज्यादा यूज करते हुए वीडियो कॉल फ्रेंडली में चाहता हूं दोबारा से उनसे मशवरा। मेरे महाशय, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए और जो तीन नाम आपने दिए थे एक बार फिर से आपके सामने आएंगे, अर्जुन सिंह, आदित्य पांडे, नितेश साहू। साहू सर, मैं आदित्य पांडे जी से बात करना चाहता हूँ। आदित्य पांडे जी से बात करेंगे। ओके, आदित्य पांडे जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये भी एक मित्र हैं आपके? जी सर, ये ग्राउंड एडिशन में फ्रेंड्स बने थे और हम तैयारी कर रहे थे आपस में प्ले लॉन्ग की सबकी अच्छे से। आदित्य पांडे जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर। प्रणाम, क्या हाल चाल है आपके? आपसे बात करके सर बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया सर। अच्छा आदित्य जी, मेरे सामने आपके मित्र बैठे हैं सुनील शर्मा जी, हॉट सीट पर आ गए हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो वो अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके चार विकल्प हैं, चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। ओके सर, ठीक है। सुनील जी, आपका समय शुरू होता है अब। मिस्टर पांडे, प्लीज टेल दिस सन ऑफ विच ऑफ दिस ओलंपिक मेडलिस्ट आल्सो वन एन ओलंपिक मेडल, मतलब किस ओलंपिक मेडलिस्ट के बेटे ने भी ओलंपिक मेडल जीता है। ऑप्शंस है ए ध्यानचंद, बी राजवर्धन सिंह राठौर, सी लेसी क्लॉडस, डी केडी यादव। ऑप्शन रिपीट करूं ध्यान। सुनील जी, मुझे इसमें से सी और डी में से लग रहा है क्योंकि ध्यानचंद जी के जो बेटे का तो मुझे आइडिया नहीं है सर। ए और राजवर्धन, जल्दी सर, ए और बी तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, सी और डी में से आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है डी होना चाहिए, बट आई एम नॉट 100% श्योर। मुझे केडी यादव लग रहा है, बट आई एम नॉट 100% श्योर। सी और डी में मुझे श्योर नहीं है सर। लीस्ट रिस्क पे हैं आप जी सर, बिल्कुल। अगर आप कुछ खेल जाएंगे, मान लीजिए गलत हो भी गया, कुछ खोएंगे नहीं। जी सर। सर मैं फ्रेंड के साथ ही, साथ में मुझे भी थोड़ा इंस्टिंक्ट लग रहा है कि ऑप्शन डी होना चाहिए और ये नो रिस्क क्वेश्चन है, तो मैं ऑप्शन डी केडी यादव जी के साथ जाना चाहता हूँ। ऑप्शन डी के लिए कह रहे हैं केडी यादव पे ताल लगा जाए। नहीं मानी बड़ी, गलत हो गया। सही उत्तर है ध्यानचंद। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जी के बेटे अशोक कुमार जी, जी 1972 म्यूनिख ओलंपिक्स में ये ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। मेजर ध्यानचंद ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे भारत के लिए। तो ध्यानचंद जी के सुपुत्र, उनका नाम अशोक कुमार। अशोक कुमार 1972 म्यूनिख ओलंपिक्स में वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो ध्यानचंद सही उत्तर हो गया। और सुनील जी, 3,20,000 रुपए आप जीत रहे हैं और ये 3,20 हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 3,20 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये 3,20,000 इसी समय आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। बिल्कुल जल्दी आसान और सेफ करें। बहुत बहुत बधाई आपको। पारी आ गई है फर्स्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट की। देवी और सज्जनों, बार बार हम आपसे कहते आए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका होता है आपके जीवन में, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित कोण को उनके माप के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑलराइट, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अधिक कोण, बी सम कोण, सी न्यून कोण या डी बृहद कोण, यानी अब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, अक्यूट एंगल, डी रिफ्लेक्स एंगल। समाप्त हो गया है, आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए।
सबसे पहले आता है सी ड्यून कोण जो कि 0 to 90 degrees होता है, फिर आता है बी सम कोण 90 degrees का, फिर आता है ए अधिक कोण 90 to 180 degrees और अंत में है डी बृहद कोण 180 to 360 degrees। ये है सही क्रम सी बी ए डी। आइए देखते हैं सी बी ए डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? अभिलाषा सोने। अभिलाषा जी बहुत बहुत बधाई आपको। अभिलाषा जी देखिए मेरे सामने हाथ सीट पर आ गई हैं, सागर मध्य प्रदेश से अभिलाषा सोनी जी। बहुत मुश्किल प्रश्न आपने उत्तर दिया, मैथमेटिक्स का प्रश्न था। और सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? हाँ आ गई हैं आप। बहुत अच्छा जी, एक सपना पूरा होते हुए। ओके, आजकल क्या कर रही हैं अभिलाषा जी आप? मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ओ, कलेक्ट्रेट में एक योजना एवं सांख्यिकी विभाग होता है, मैं उसमें इन्वेस्टिगेटर के पद पर कार्यरत हूँ। इन्वेस्टिगेटर? जी सर। मतलब क्या करना होता है आपको? हम लोगों को एक NSS का सर्वे होता है सर, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। तो वो सर्वे करने हम लोगों को डोर टू डोर जाना होता है। जितने भी देखते हैं अभी आंकड़े जारी होते हैं ना सर, गरीबी के आंकड़े जारी हुए या कितना क्या लेवल है व्यक्ति का, किस स्टैंडर्ड्स पे है, ये सारे पूरा उसी को होता है। जी सर, इन आंकड़ों का क्या इस्तेमाल होता है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन सर इन आंकड़ों से ही तो सब कुछ चल रहा है। आज हम विश्व में जो हमारी अर्थव्यवस्था की रैंक आई है वो इन आंकड़ों के जरिए तो आई है। जी जी, ऑलराइट अभिलाषा जी, चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई अपने? मैं अपने लड़के वैभव को लाई हूँ। पुत्र है आप? भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? मैसेज वैभव स्वामी। वैभव? यस। ये पुत्र हैं आपके? तो आपके भाई लग रहे थे। अभी यही खड़े हुए थे ना अभी यहाँ पर, हम सोचा आपके भाई हैं। नहीं सर। जब व्यक्तिगत हो जाएगा पूछेंगे कब ब्याह हुआ आपका इत्यादि। नहीं नहीं सर। नहीं नहीं रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, नॉर्मल बात है। नहीं नहीं हम जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए अभिलाषा जी हम और आप शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन की बढ़िया। गुरु राजकुमारों के साथ उनके रिश्ते को दर्शाने के लिए द्रोण के नाम के बाद अक्सर इनमें से क्या जोड़ा जाता है? What word is often added to Drona to indicate his relationship with the Kuru princess? ऑप्शन सुनिए। ए आचार्य, बी रथी, सी पुत्र या डी सम्राट। सर ए आचार्य को लॉक कीजिए। ए पे ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। फेरे लेना आमतौर पर इनमें से किस समारोह से संबंधित होता है? फेरे लेना इज यूजुअली रिलेटेड टू विच ऑफ दीज सेरेमनीज? ए ग्रेजुएशन, बी वेडिंग, सी बर्थडे या डी नेमिंग। स्नातक, विवाह, जन्मदिन, नामकरण। बी विवाह को लॉक किया जाए। बी विवाह पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। अन्य है आप, बिल्कुल सही उत्तर दिया। पुत्र है आपके, यकीन नहीं हो रहा अभी तक। अच्छा आपके परिवार में और कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4, छोटी लड़की है। अच्छा, एक छोटी बोलने में बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, क्योंकि तो छोटे तो ये हैं, उनसे भी कम उम्र के हैं। जी सर, वो 9 years मतलब 10 years की होगी जनवरी में। अच्छा, तीसरा प्रश्न देवी जी आपके सामने। 3000 रुपए उसका मूल्य है और ये रहा आपके सामने, ये एक इमेज प्रश्न होगा आपके लिए अभिलाषा जी। चित्र में कीबोर्ड से कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? ये देखिए तस्वीर, ये है प्रश्न, देख लिया? जी सर।
What word is blanked out from the keyboard in the image? A. Pass, B. Move, C. Shift या D. Go. C. Shift को lock किया जाए. C. Shift पे ताल लगाया जाए. सही जवाब दिया. आगे चलते हैं चौथा प्रश्न. 5000 रुपए. ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर. इनमें से किस खेल में उपयोग होने वाला मुख्य उपकरण गोलाकार होता है? The main equipment used in which of these field events is spherical in shape? ऑप्शन सुनिए. ए जेवलिन थ्रो, बी पोल वॉल्ट, सी हर्डल्स या डी शॉट पुट. शांत हो जाइए, लाइफलाइन यूज करेंगे अभिलाषा जी. अच्छा, तो लगा कि तो जान जाएंगे. काफी आसान था ये. कौन सी? डबल डिप. डबल डिप लाइफलाइन. ओहो, यानी आपके मन के अंदर दो ऐसे हैं. कर दें डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. अभिलाषा जी, अब आप खेल को क्विट नहीं कर सकते. दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए. पहला उत्तर बताइए. जेवलिन थ्रो. जेवलिन थ्रो. ए पे ताल लगाया जाए. गलत. गोलाकार होता है. शॉट पुट. डी. डी पे. डी पे ताल लगाया जाए. ये सही उत्तर है. देवी जी, स्पोर्ट्स वगैरह में आपकी रुचि नहीं है क्या? देखती भी नहीं है आप क्या? ये शॉटपट आकार में स्फेरिकल होता है और लोहे का होता है. ये गोला होता है इतना बड़ा. इसको बड़े ही तंदुरुस्त लोग जो हैं वो ऐसे कंधे पे रख के इसे घुमा के फेंकते हैं गोले को, और जितनी दूर जाता है उसको नापा जाता है, वो रिकॉर्ड बनता है. ऐसे तो ये गोलाकार उसको शॉटपट बोलते हैं, क्योंकि हाथ से फेंका जाता है गोले. राइट, इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया. अभिलाषा जी, फिल्में वगैरह देखने का समय मिल जाता है आपको? थोड़ा बहुत काम करते करते. करते करते फिल्में देख लेते हैं. काम करते करते. सर एक्चुअली मेरा किचन और हॉल लगा हुआ है. अच्छा अच्छा. वहीं पर टीवी है तो जो तो, भी थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा. खाना वाना पकाते समय इधर देख लिया. जी सर, क्योंकि वैसे तो टाइम नहीं होता. हमने सोचा कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ. वहाँ नहीं सर, हमने कहा ना काम करते करते. हमको लगा कि वहाँ और मारते मारते अच्छा ये चल रहा है. ये देखो ऐसा नहीं है. अच्छा, आगे चलते हैं छठे प्रश्न के ऊपर. ये है 20,000 रुपए का. तैयार हो जाइए. छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. पुराणों के अनुसार इनमें से क्या एक नवग्रह का नाम नहीं है? Which of these names is not that of a नवग्रह according to the Puranic texts? ए शनि, बी राहु, सी अग्नि, बुध. शनि, राहु, अग्नि या बुध? सर प्लीज लॉक सी अग्नि. सी अग्नि पे ताला लगा जाए. सही जवाब दिया. नवग्रह जो है वो कुछ इस प्रकार के हैं. सूर्य है, चंद्र है, शुक्र है, बुध है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति, राहु और केतु. ये चलिए आप कम से कम मुस्कुराएं तो सही. हमको लगा कि हमारे चेहरे से आप इतना निराश हो गई हैं कि हमारी तरफ ऐसे देख भी नहीं रही हैं, गुस्से से देख रही हैं. ऐसे करके देख रहे हैं आप. तो क्या प्रश्न आ गया अभी? नहीं मालूम. सातवां प्रश्न आएगा. इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए. तैयार हो जाइए अभिलाषा जी. सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस मुख्य रूप से मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस इज अ हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन मेनली अफेक्टिंग विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ऑप्शन देखिए. ए आईज आंखें, बी लंग्स फेफड़े, सी किडनीज गुर्दे या डी ब्रेन मस्तिष्क. रेस्पिरेटरी. बी फेफड़े. बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं. सही जवाब हो गया आपका.
ये जो वायरस है इसका शॉर्ट फॉर्म है आरएसवी। आरएसवी इसके वायरस का नाम है। एक अत्यधिक संक्रामक मौसमी लंग इन्फेक्शन है। ये बचपन की एक आम बीमारी है जो बड़ों को भी प्रभावित कर सकती है। अभिलाषा जी, आठवां प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 80,000 रुपए आपको। ठीक है, आठवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक और इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर बनाई हुई है उसके ऊपर ये प्रश्न आया है। ये पुस्तक किस राज्य की संस्कृति के बारे में है? Which state's culture is this book about? पहले तस्वीर देख लेते हैं। जो ब्लैंक किया हुआ है उसको आपको भरना होगा। ऑप्शन सुनिए, ए गोवा, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, या डी वेस्ट बंगाल। सर प्लीज लॉक ए गोवा। ए गोवा पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही उत्तर हो गया आपका। पुस्तक का जो शीर्षक था उससे शायद आपको घबरा दिया होगा, लेकिन वो पुर्तगाली शब्द है सोसीगाडो। सर यही सोच के, वो नाम सोच के ही मुझे लगा कि अच्छा नाम सोच के आप सोसीगाडो से लिया गया है, जिसका अर्थ है शांत। सोसीगाडो शांत। ओके, ये जो चित्र था देवियों सज्जनों अभी आपने देखा, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से ये संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट अभिलाषा जी, बहुत जल्दी आ गया है नवा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए ये रहा आपके सामने। एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन है जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है? हु इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऑप्शन सुनिए, ए श्रीमती प्रतिभा पाटिल, बी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या डी श्री रामनाथ कोविंद। सर प्लीज लॉक बी, श्रीमती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी कह रहे हैं, बी पता लगाने के लिए कह रहे हैं अभिलाषा जी। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद और 1958 में हुआ था। ओके, अब देखिए आपको एक चेतावनी मिलेगी। हमारे ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है दोबारा नहीं आएगा आपको और ना ही मिलेगा। और आपके पास दो लाइफलाइन अभी बची हुई है अभिलाषा जी, इस्तेमाल कीजिएगा उनका अगर फंस जाए कहीं। जी सर। और आए 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। और अच्छा एक बात बताइए, ये अगर आप जीत गई मान लीजिए तो क्या करना चाहेंगे आप इस जीती हुई रकम से? सर लोगों के ऊपर लोन है सर, 27 लाख का होम लोन लिया हुआ है, तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि लोन क्लियर कर दूंगी और यदि ओवर जीतती हूँ तो बच्चों की पढ़ाई पे काम आएगा। हाँ चलिए, अच्छी सोच है आपकी। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्मारक एक कब्र है? Which of these monuments serves as a tomb? ऑप्शन सुनिए, ए रानी की वाव, बी गोल गुंबज, सी जंतर मंतर, डी चार मीनार। शांत हो जाइए, बादू मत कीजिए। दो लाइफलाइन बची हुई है आपके पास, वीडियो कॉलर फ्रेंड, ऑडियंस को। ऑडियंस ऑलराइट, ऑडियंस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। बी गोल गुंबज को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 50%, क्या कीजिएगा? जी सर, ऑडियंस को मिला है 16, सी को मिला है 24 और डी को मिला है 10। ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे, बोलिए क्या करें?
बी को लॉक किया जाए। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। यस इज द राइट आंसर वाला। क्या क्या करना पड़ता है एक खिलाड़ी के लिए? तो ज्यादा हो गया, वापस नहीं हो रही। प्रणाम करता हूँ। कैसे चल रहा है आजकल आपका सब खेल वेल? बढ़िया चल रहा है कि नहीं? खेलने आए हैं, क्या करने आए हैं? घूमने आए हैं। फंस गए हैं आप तो घूमने निकले। आप घुमा दीजिए। हम कहाँ से घुमाएंगे आपको? अब परमिशन चाहिए होता है। अब पतिदेव आपके नाराज हो गए तो क्या होगा? नहीं होगी। मैंने कैसे मालूम आपको नाराज होंगे? चलिए घूम जाइए। अच्छा आप ये बताइए, घूमे क्यों किया? बच्चे को देखने। बच्चे ठहर जाइए, ठहर जाइए और दिल भर के देख लीजिए और इधर जनता को प्रणाम करना होगा। धन्यवाद दे रहे हैं। इधर तो मीटर होता नहीं लेकिन फिर भी धन्यवाद देते हैं, ताली बजाते हैं आपके लिए। इधर दीजिए, सबसे ज्यादा लोग इधर हैं प्रशंसक आपके। अगली बार घूमना हो हमको बताइए। ओहो, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और देवी जी एक चेक आ गया है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। हाँ अभी का है। गोल गुंबद जो है ये बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है। ये है सुपर संदूक की घोषणा और ये एक बदलाव लाया गया है आपकी बार केबीसी में। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी। हिंदी में ओके। तो चलिए प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। अभिलाषा जी 90 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। इनमें से किसकी आमतौर पर सबसे अधिक आंखें होती हैं? गिद्ध, मकड़ी, बाघ, केकड़ा? केकड़ा। गलत। नेक्स्ट। अनुष्का शर्मा के पति का पेशा क्या है? क्रिकेटर। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से किस संख्या को नील शब्द से भी दर्शाया जा सकता है? करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सी गायक कॉलोनियल कजन्स बैंड का हिस्सा है? हरिहरन, पंकज उदास, जगजीत सिंह, सोनू निगम? सोनू निगम। रॉन्ग। नेक्स्ट। फुकेट किस देश का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड? पास। नेक्स्ट। बुधिया सिंह बॉर्न टू रन फिल्म का विषय कौन सा खेल है? लंबी कूद, मैराथन? करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थे? बर्निनी, हेमिंग्वे, मोजार्ट, डिकेंस? पास। पास। नेक्स्ट। गोल्फ में गेंद किसके भीतर डाली जाती है? गोल, बास्केट, छेद, जेब? छेद। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के ही समय का है? जहांगीर, औरंगजेब? औरंगजेब। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से क्या एक देश नहीं है? गिनी बिसाओ? गिनी बिसाओ। गलत। फुकेट किस देश का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? इंडोनेशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड? थाईलैंड। करेक्ट। समय हो गया समाप्त। देवी जी 5 हो गए। आपको बता दें कि 6 प्रश्न का सही उत्तर हो गया इनका। 60,000 रुपया जीत गए हैं। तो या तो ये आप बैंक में जमा कर दें या अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जीवित कर दें। ऑडियंस पोल जीवित कराएंगी? वाह, ऑडियंस पोल को जीवित कर दिया जाए। 5 है। बहुत बहुत बधाई हो आपको अभिलाषा। ऑलराइट, जो लाइफलाइन अब आपके पास जीवित हो गई, घबराने की बिल्कुल बात नहीं। समय की अब कोई पाबंदी नहीं है। ये बाधुमती जी जो है ये शांत हो गई हैं। आपके पास समय बेफिक्र होकर खेलिएगा। 11वें प्रश्न को ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगी नहीं आप। लाइफलाइन है सर? लाइफलाइन ले सकती हैं बिल्कुल। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोची में स्थित भारत के सबसे बड़े कृत्रिम द्वीपों में से एक का नाम किस पूर्व वायसराय के नाम पर रखा गया है? आफ्टर विच फॉर्मर वायसराय इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड्स लोकेटेड इन कोची नेम्ड। ऑप्शन सुनिए। ए अरविंद, बी
Wevel, C. Lilith Go, D. Willingna. कोची में स्थित भारत के सबसे बड़े कृत्रिम द्वीपों में से एक का नाम किस पूर्व वायसराय के नाम पर रखा गया? दो लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा है तो। जी सर, आंसर लग तो रहा है बट थोड़ा कंफ्यूज हूँ, गलत नाम है। ऑडियंस बोल लेंगी। ऑडियंस बोल लेना चाह रहे हैं अभिलाषा जी, कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। विलिंगडन डी को सबसे ज्यादा अंकित दिया। जी सर, लॉक किया जाए, मैं भी यही सोच रही थी। डी, आप वहीं भी, आप भी जा रही थी। ओके, डी विलिंगडन सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, इसको ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। विलिंगडन आइलैंड है इसका नाम। ये लेक वेम्बनाड पर स्थित है और कोची शहर का हिस्सा है। भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमान जो है वो यहीं पर स्थित है। नौसेना, नेवी जो है उसका जो दक्षिण कमान है, सदन कमांड लग रहा था सर, लेकिन मैंने क्या है काफी समय से देखा नहीं है, मतलब करंट। अच्छा, पढ़ा नहीं इसके बारे में। लग रहा था कि यही है। ओके, हाँ, यहाँ आकर के लाइफलाइन ले लेना चाहिए, जब है तो यूज कर लो, वरना ऐसे जाने से क्या मतलब। ओके ओके, अभिलाषा जी आगे चलते हैं 12वें प्रश्न के ऊपर। 12.50 इसका मूल्य है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा संगीत निर्देशक नौशाद के अनुरोध के बाद कौन से दिग्गज फिल्म मुगले आजम में तानसेन की आवाज बनने के लिए सहमत हुए? विच लेजेंड अग्रीड टू बी द वॉइस ऑफ तानसेन इन द फिल्म मुगले आजम After request from the music director, Naushad. Option suni. A. Ustad Abdul Karim Khan. B. Ustad Rashid Khan ya Rashid Khan. C. Ustad Bade Ghuram Ali Khan. D. Ustad Nusrat Fateh Ali Khan. Sir, lifeline lungi. Lifeline lenge? Video call of friend. तीसरी और आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रही हैं अभिलाषा जी, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और अभिलाषा जी, तीन नाम आपने दिए थे, ये हैं वो नाम। गौरव पाठक है, आशीष श्रीवास्तव है और सीताराम मिश्रा। सर, गौरव पाठक। गौरव पाठक जी को वीडियो कॉल लगाना पड़ेगा और वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं ये आपके परिवार के, मेरे साथ में। गौरव जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति? सर सर, प्रणाम सर। गौरव जी, हमारे सामने आपके मित्र अभिलाषा सोनी जी बैठी हैं और हॉट सीट पर आ गई हैं और ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। जी, तो अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी। चार विकल्प है, चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, और आपको उत्तर देना होगा। 45 सेकंड मिलते हैं इसके लिए केवल, ठीक है जी। तो अगली आवाज अभिलाषा जी की। अभिलाषा जी, आपका समय शुरू होता है अब। गौरव, संगीत निर्देशक नौशाद के अनुरोध के बाद कौन से दिग्गज फिल्म मुगल ए आजम में तानसेन की आवाज बनने के लिए सहमत हुए थे? तानसेन की आवाज बनने के लिए मुगल ए आजम पिक्चर में। पहला है उस्ताद अब्दुल करीम खान, दूसरा है उस्ताद राशिद खान, तीसरा सी है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, डी है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। इसका आइडिया नहीं है मेरे को, सॉरी। कोई आइडिया नहीं? नहीं नहीं आइडिया। एक बार फिर से सोचो। उस्ताद राशिद खान, फिर से रिपीट कर। संगीत, समय खत्म हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई आइडिया नहीं थे मुझे, मैं क्विट करूंगी सर, क्योंकि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं, ऑलराइट, ओके।
अनुमति देते हैं हम आपको अभिलाषा जी कि आप क्विट कर सकें। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और ये आ गया है एक डिजिटल यंत्र है हमारे पास, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर, अकाउंट नंबर आ जाएगा और इस पर हम छाप देंगे 6,40,000 रुपये, ट्रांसफर दबाएंगे 6 1 2 3 4 6,40,000 ओके किया, कन्फर्म किया और अभिलाषा जी ये 6,40,000 आपके अकाउंट में पहुंच गया है बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कर लीजिए। सर मुझे इसका डी लग रहा है। डी? जी सर। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। जी सर। डी पे ताल लगा जाए? नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। जी सर। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, हुटर बज गया। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान गायन में एक दिग्गज कलाकार, लेकिन उन्होंने फिल्म संगीत के लिए रिकॉर्ड करने से मना कर दिया था। फिल्मों में नहीं गाएंगे, वो शास्त्रीय संगीत वगैरह करते थे, पर नौशाद साहब ने उन्हें बाद में उनको मना लिया और मुगले आजम में उन्होंने तानसेन की जो आवाज थी वो उस आवाज को बने वो उस्ताद गुलाम अली, बड़े गुलाम अली खान। ऑलराइट, तो आज का समय यही समाप्त हो गया, गुटर बज गया है। अनेक अनेक बधाई हम आपको देते हैं। थैंक यू सो मच।